संसार के सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और विकसित देश अमेरिका को नश्वरवादी विचारधारा में गिना जाता है। उनकी दृष्टि में ईश्वर व भूत प्रेतों के वजूद पर विश्वास ही नहीं किया जाता है। मगर इस धारणा को अस्वीकार कर देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सरकारी भवन व्हाइट हाउस ही काफी है, जहां हमेशा कम से कम 7 भूत सदा से निवास करते आए हैं। अनेक बार तो कई अमेरिकी राष्ट्रपति भी इनको कभी ना कभी देख चुके हैं। तो दोस्तों, तैयार हो एक ऐसी विचित्र और डरावनी कहानी देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहां मिलने वाले हैं बहुत सारे हॉरर और रहस्यमयी कहानियां। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सन 1865 में वॉशिंगटन के एक नाटक गृह में हत्यारे जॉन विल्कस बूथ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का शव को एक विशेष अलमारी में रखकर आम जनता के दर्शनों के लिए अमेरिका के प्रमुख नगरों से लेकर गया। वह रेल हर स्टेशन पर कुल 10 मिनट रुकती थी। रेल के द्वारा की जा रही शव यात्रा के बाद रात को 9 बजे संपूर्ण अमेरिका में उन सभी रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती काले रंग की एक विचित्र दूसरी रेलगाड़ी भी देखी गई। उसमें भी अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन का शव दिखाई दे रहा था। रेल के सभी डिब्बे में राष्ट्रपति लिंकन के ताबूत के पीछे वाला डिब्बा सबसे विचित्र था। हजारों लाखों लोगों ने देखा, उस रेल के डिब्बे में कई कंकाल विभिन्न वाद्य यंत्र बजा रहे थे। उनके द्वारा बजाई जा रही धुनें ऐसी थीं कि अच्छो अच्छो की सिटी विटी गुल हो गई। यह ट्रेन जितने भी स्टेशनों से निकली, उन स्टेशनों की घड़ियां 10 मिनट तक रुकी रही। इस डरावनी घटना के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सरकारी आवास व्हाइट हाउस में हर खास अवसर पर मृत राष्ट्रपति लिंकन का भूत दिखाई देता रहा है। उसे संसार का महानतम राजनीतिज्ञों, शासनाध्यक्षों और कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों और उनके परिवारों ने खुद देखा व कर्मचारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भूत स्वयं देखा या महसूस किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन के कार्यकाल में सन 1890 की बात है। हैरिसन एक राजकीय दौरे पर टेक्सास जाना चाहते थे। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड जॉन केनी को तैयार होने का आदेश दिया। वह अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था, तभी उसे अपने कमरे के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा दिखा। केनी ने सोचा कि राष्ट्रपति का बुलावा होगा, मगर इससे पहले कि केनी कुछ समझ पाता, वह व्यक्ति अपना काला कोट संभालता हुआ एक दीवार में प्रवेश कर गायब हो गया। केनी साफ देख लिया था कि वह राष्ट्रपति लिंकन का भूत था। सन 1890 से 1892 के बीच केनी को लगभग 35 बार लिंकन का भूत दिखाई दिया था। वह केनी को बड़ी नाराजगी भरी नजरों से देखता था। केनी इससे पहले लिंकन का सुरक्षा गार्ड था। लगता था कि लिंकन अपनी अकाल मृत्यु का जिम्मेदार केनी की लापरवाही को मानते थे। खैर, सन 1895 में केनी का धैर्य टूट गया। उसने बाल्टीमोर प्रांत की एक विशेष सभा में भूत विशेषज्ञों की मदद से लिंकन के भूत का आह्वान किया। उस मौके पर केनी ने विनती की, कृपया करके मुझे माफ कर दो श्रीमान लिंकन, मैं अब राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन की सुरक्षा कर रहा हूं। इसके बाद लिंकन की प्रेतात्मा ने केनी को तो कभी परेशान नहीं किया, मगर लिंकन की आत्मा ने अपने प्रिय शयन कक्ष को सन 1940 तक नहीं छोड़ा। सन 1944 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह निश्चित किया कि दूसरी मंजिल के शयन कक्ष में सोया करेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की सफाई कर्मी मेरी बैन को कमरा साफ करने के लिए 4-5 नौकरों के साथ भेजा गया। थोड़ी देर बाद सभी भागते चीखते चिल्लाते वापस लौट आए। मेरी ने कहा कि कमरे में प्रवेश करते ही सभी चकित रह गए। वहां तो लिंकन सामने चेयर पर बैठे दिख रहे थे। उन्होंने ब्लैक कोट पहना हुआ था और नीचे झुककर अपने सूज बांध रहे थे। यह देखकर वे सब डर कर वापस भाग आए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, लिंकन की प्रेतात्मा गायब भी हो गई। रूजवेल्ट ने इस घटना पर यह विचार किया कि लिंकन को
अपने रूम से काफी लगाव हो गया था। फिर उन्होंने यह विचार कर उस कमरे में नहीं सोएंगे, परंतु अगले ही दिन उन्होंने ये आदेश दिया कि पहले उसी कमरे की सफाई करें। एक बार रेडियो में दिए जा रहे साक्षात्कार में रूजवेल्ट ने कहा कि वह अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ विचार कर रहे थे, तभी उन्होंने लिंकन के प्रेत को एक तस्वीर के पीछे से निकल कर आकर एक अलमारी में घुसते देखा। बाद में राष्ट्रपति रूजवेल्ट को राष्ट्रपति भवन के विभिन्न कमरों तथा हॉल में लिंकन की आत्मा घूमती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि लिंकन का प्रेत खामोश, संयत और रौबदाब वाला है। पता नहीं क्यों लिंकन की आत्मा दुखी रहती है। सन 1945 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की रहस्यमय कारणों से मृत्यु हो गई। उससे पहले भी कम से कम 3-4 बार उनको लिंकन का भूत नजर आया था। हर वर्ष अप्रैल के महीने में लिंकन का प्रेत राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में जरूर नजर आता है। यही वह माह था जब उनकी हत्या की गई थी। लिंकन की आत्मा को देखकर एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल तो डरकर अपने बिस्तर से निकल भागे थे। उन्हें दूसरी मंजिल में लिंकन के प्रिय रूम में ठहरा दिया गया था। नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना को अमेरिकी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के रोज रूम में ठहराया गया था। उसी अवसर पर उनके डोर पर नाइट में दस्तक हुई। उन्होंने सोचा कि कोई खास संदेश लेकर कोई नौकर आया होगा। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर लिंकन का भूत था। महारानी के डरे चेहरे को देखकर लिंकन ने परेशान चेहरा बनाया और वहां से चला गया। राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल के वक्त परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। उन्होंने भी एक रात अपने कमरे के सामने लिंकन की आत्मा को देखा था। यह बात ट्रूमैन ने अखबार के साक्षात्कार में स्वयं ने बताई थी। राष्ट्रपति आइजनहावर को भी लिंकन के भूत की उपस्थिति का कई बार एहसास हुआ, मगर उन्होंने उधर ज्यादा विचार नहीं दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में जापान पर परमाणु बम से हमला किया जाने के बाद लिंकन का प्रेत को कई रातों तक लगातार देखा जाता रहा था। वह साफ साफ चिंतित तथा अत्यधिक दुखी नजर आया था। सन 1950 के बाद से लिंकन का भूत आम तौर पर दिखाई देना बंद हो गया था, मगर पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी ने अपनी हत्या के कुछ दिन पूर्व उन्हें लिंकन का भूत दिखाई दिया था। उन्होंने तब यह भी मजाक किया था कि लगता है मुझ पर गोलियां चलने वाली हैं। मरने से पहले खुद लिंकन ने व्हाइट हाउस में कई बार भूतों को देखा और आभास किया था। लिंकन का मृत साला अलेक्जेंडर भी अक्सर नजर आया करता था। राष्ट्रपति क्लीवलैंड की पत्नी को राष्ट्रपति भवन में जन्मे अपने बेटे से बेहद प्यार था। वह राष्ट्रपति भवन में ही अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी आत्मा भी कई अवसर पर लोगों को नजर आया। राष्ट्रपति विल्सन की पत्नी को व्हाइट हाउस में लगे गुलाब के फूलों की क्यारी का स्थान पसंद नहीं आया था। उन्होंने गुलाबों की क्यारी का स्थान बदलने का विचार किया। ये गुलाब पूर्व राष्ट्रपति मेडिसन की पत्नी ने लगाए थे। अंतिम समय तक पूर्व राष्ट्रपति मेडिसन की पत्नी को गुलाबों की बेहद चिंता थी। जब श्रीमती विल्सन के कहने पर माली गुलाबों की क्यारी को खोदने के लिए गया तो वहां श्रीमती मेडिसन का भूत अचानक आ गया और बोला, खबरदार जो हाथ लगाया फूलों को। श्रीमती विल्सन को यह पता चला तो उन्होंने माली को कामचोर तथा बहाना बनाकर काम नहीं करने की बात कही। खुद क्यारी बनाने का इरादा बनाया। वह बगीचे में पहुंची तो खुद पाया कि श्रीमती मेडिसन एक क्यारी में खड़ी थी। व्हाइट हाउस में भूत, राष्ट्रपति एडम्स की पत्नी का भूत भी व्हाइट हाउस में अनेक मौकों पर बार बार देखा तथा महसूस किया। वह एक बार कपड़े सुखाने की जगह और दो बार लाइब्रेरी में कुछ ढूंढता हुआ देखा गया था। कई बार अन्य जगह भी देखा गया। एक अज्ञात कर्मचारी की आत्मा भी अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की रसोई में अक्सर नजर आता रहा है, मगर उसे महिला कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य द्वारा नहीं देखा गया। राष्ट्रपति हार्डिक की आत्मा एक ही बार दिखाई दी, वह भी तब जब उनकी एक फोटो मौके से हटाकर शीशा बदलने को ले जाई जा रही थी। ये सभी डरावनी चीजें उसी व्हाइट हाउस में रहने वाले लोगों के साथ घटित होती थीं, जो कई सालों तक लोगों को परेशान करता रहा। वैसे अगर आप अब्राहम लिंकन के साथ
घटी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।